साथ शेयर करने वाली हूँ वन ब्रांड एवरीडे ऑफिस मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक को मैंने अचीव किया है फेसेस कैनरा ब्रांड की प्रोडक्ट यूज करके। एंड साथ ही मैं आपसे शेयर करूंगी वन ब्रांड बिगनर्स मेकअप किट। और ये जो किट है इसमें मैंने इंक्लूड किए वही प्रोडक्ट्स जिनका ओवरऑल रेटिंग काफी अच्छा था एंड पर्सनली जो मुझे काफी अच्छे लगे, और जो एक मेकअप किट में एसेंशियल्स हैं वही प्रोडक्ट्स मैंने इस किट में इंक्लूड किए हैं। और इस किट को यूज करके मैंने अपना आज का एवरीडे ऑफिस मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि सेम किट को यूज करके मैं आपसे कोई पार्टी मेकअप लुक या वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये मेकअप किट एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल ही देखना है तो आप इस वीडियो को यहाँ तक स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप इज प्राइमर। सो दिस वन इज फेसेस कैनेडा अल्टीम प्रो परफेक्टिंग प्राइमर पोर मिनिमाइजिंग। दिस कम्स इन 30 ml ऑफ क्वांटिटी एंड MRP फॉर दिस इज 899 रुपीज़, बट ये आपको ऑफर प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। अक्सर फेसेस कैनेडा ब्रांड में भी सेल एंड ऑफर्स चलते रहते हैं तो ये आपको 600 से 700 के बिटवीन अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही कम क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की लगती है। थोड़ा सा टिंटेड प्राइमर है ये, काफी स्मूथ है और इसे अप्लाई करने के बाद जब आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो ईजिली आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है और काफी लॉन्ग लास्ट करता है आपका फाउंडेशन। नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन। दिस वन इज फेसेस कैनेडा वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन। MRP फॉर दिस वन इज 199 रुपीज। दिस इज हाउ द इंटरनल पैकेजिंग लुक्स लाइक। दिस वन रिटेल्स में फॉर 159 रुपीज। ये मिनी वर्जन है, इसका एक बिग ट्यूब भी आता है, आप चाहें तो उसे भी परचेज कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल फाउंडेशन है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट है। दिस फाउंडेशन इज अवेलेबल इन 4 शेड्स। ये लिक्विड फाउंडेशन है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इवन बीबी क्रीम से भी ज्यादा लाइट वेट है। शेयर टू मीडियम कवरेज देता है। बाय द वे मेरा शेड है 01 आइवरी। अब मैं आपको इसे ब्लेंड करके दिखाती हूँ। बहुत इतनी ही क्वांटिटी आपके फेस के लिए काफी है, मेरे हाथ पे ये ज्यादा आ गया है। लाइट वेट फाउंडेशन है जो कि एक हेल्दी सा ग्लो फेस पर लेके आता है। अगर आप लोगों को फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए एंड आपका बजट भी अच्छा खासा है देन यू कैन चूज दिस फेसेस कैनेडा अल्टीम प्रो HD रनवे रेडी फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस कॉम्पैक्ट पाउडर बाय फेसेस कैनेडा। दिस वन इज वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट विद SPF 20 विटामिन ई एंड शिया बटर। यहाँ आपको एक मिरर मिल जाता है एंड एक एप्लीकेटर आपको इसके साथ मिलेगा और ये प्रोटेक्टिंग फिल्म आपको मिलेगी। बहुत ही लाइट वेट है ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी, आप देख सकते हैं कि और इस कॉम्पैक्ट पाउडर का जो फिनिश है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि इसमें विटामिन ई एंड शिया बटर है, तो ये आपके फेस पे बिल्कुल भी केकी की नहीं दिखता है। बहुत इवनली अप्लाई होता है एंड स्प्रेड होता है, स्पेशली अगर आप लोगों का ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये आपको डेफिनेटली सूट करेगा। विंटर्स के लिए भी ये कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही अच्छा है एंड दिस कम्स विद SPF 20, सो आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। MRP फॉर दिस वन इज 199 रुपीज फॉर 9 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस विल रिटेल यू अंडर 150 टू 160 रुपीज। This compact is available in 4 shades, -01. Next one is this Faces Canada Ultim Pro Face Palette. This one is 3-in-1 highlighter, bronzer and blush kit. And this is how the internal packaging looks like. MRP for this one is 899 rupees, but this will retail you under 600 to 700 rupees. This comes in 12 grams of product quantity, that means 4 grams in each pan. और अगर इसका भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा reasonable and affordable price है, because 600 के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 200 for each pan is quite reasonable. इस फेस पैलेट को आप अपने फेस के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट इन प्रोडक्ट्स को आप एज एन आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईज पे। दिस फेस पैलेट कम्स इन 2 शेड्स। दिस वन इज 01 फ्रेश, दिस इज फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन एंड जो सेकेंड शेड इसमें अवेलेबल है वो है 02 ग्लो एंड दैट इज फॉर मीडियम टू डस्की कॉम्प्लेक्शन। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ काजल बाय दिस ब्रांड एंड दिस वन इज मैग्नेट आई काजल। अगर आप लोग काजल पर्सन हैं देन दिस वन इज मस्ट हैव इन योर वैनिटी बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल काजल है एंड यस ये टॉप 10 काजल में से एक है। बहुत ही पिगमेंटेड काजल है, मैं आपको इसका वन स्ट्रोक एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। सो नाउ यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड इज दिस काजल। If you like to use gel finish eyeliner, then you can use this as eyeliner. This works really great. मैं matte finish eyeliner पसंद है, इसलिए मैं इसे as a eyeliner भी use करती हूँ। अगर आप लोगों को liquid liner ही purchase करना है और पसंद है, तो आप इसका जो magnet eyeliner है, वो purchase कर सकते हैं। मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, because मुझे matte finish liner ज़्यादा पसंद है, and उसमें आपको थोड़ा सा glossy finish मिलता है। MRP for this one is 179 rupees for 0.35 grams of product and this will also retail you under 100 to 125
5 rupees. Next product is mascara. This one is Faces Canada Magnet Eyes Mascara. For this one is 399 rupees for 9.5 ml of quantity. This will retail you under 250 to 280 rupees. You can use this mascara on daily basis. Next one is a lipstick. This one is Faces Canada Weightless Matte Finish Lipstick. This is how the internal packaging looks like. MRP for this one is 299 rupees for 4 grams of product. And this will retail you under 200 rupees on offer price. This one is the swatch of shade number 12 Flamboyant Plum, and this one is the swatch of Kissed Ruby shade number 13. This is deep brownish maroon shade, and this one is plum pink shade. Next product is this Faces Canada Ultim Pro Makeup Fixer. This it comes in 100 ml of quantity. MRP for this one is 649 rupees, and this one retails me for 422 rupees on 35% off. This comes in the spray bottle. So, इसका स्प्रे भी काफी अच्छा है. दिस मेकअप फिक्सर डज रियली वेरी ग्रेट जॉब. ये आपके मेकअप को काफी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. एंड साथ ही अगर आप लोग इसे एज अ फेस प्रोटेक्टर भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं. लाइक आपके फेस को पोल्यूशन से भी बचाता है. फेसेस कैनेडा ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री हैं, मिनरल ऑयल फ्री हैं एंड आफ्टर माय सीटीएम रूटीन आई एम गोइंग टू यूज दिस प्राइमर. एंड अगर आप लोगों की लार्ज पोर्स है देन दिस प्राइमर विल रियली हेल्प यू बिकॉज ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है. सो आपके लार्ज पोर को ये मिनिमाइज करता है एंड आपके फाउंडेशन को इवनली स्प्रेड करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग दिस फाउंडेशन और दिस कंटेन्स एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी हैं. और ये जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. अगर आप लोग बेबी क्रीम भी यूज़ करते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा लाइट वेट है. ट्रस्ट मी अगर आप डेली बेसिस पे इसे ट्राई करेंगे तो यू आर रियली गोइंग टू लव दिस फाउंडेशन. और मैंने एक डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लिया है. और अगर आप लोगों को पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे इसे लेयर अप कर सकते हैं इजीली. और बिल्कुल भी केक ही नहीं दिखता है लेयर अप करने के बावजूद भी. आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस फिनिश इस फाउंडेशन का है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट माई बेस विद दिस कॉम्पैक्ट एंड दिस हैज़ SPF 20. तो आप लोगों को अलग से सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसे मैं अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस 3-in-1 फेस पैलेट. नाउ आई एम अप्लाइंग दिस ब्लश ऑन एपल ऑफ माई चीक्स, पिकिंग अप दिस हाईलाइटर शेड इन माई फैन ब्रश एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस. और आप देख सकते हैं कितना सटल ग्लो मेरे फेस पे आ चुका है इस हाईलाइटर से. Now I'm taking this bronzer और इसे आपको अपने face के इस area पे apply करना है and आपको downward stroke में इसे apply करना है और ज़्यादा आगे आपको नहीं आना है, यहीं तक आपको आना है और इसे blend करना है अच्छे से. Now I'm going to use the same palette for my eye makeup as well और इसमें से मैंने bronzer shade pick किया है एक fluffy blending brush में जिसे मैं अपने crease area यानी यहाँ पे apply करूँगी. अपनी दोनों eyes के ट्रांजिशन शेड के लिए मैं इसी शेड को यूज़ कर रही हूँ और दोनों आइज़ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. ये जो शेड है ये लाइट ब्राउन शेड है जो बहुत ही नेचुरल एंड न्यूट्रल लुक देता है. नो मेकअप लुक के लिए काफ़ी परफेक्ट शेड है ये ब्रॉन्जर वाला शेड. और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब इस फेस पैलेट में से मैंने ब्लश वाला शेड पिक किया है और इसे मैं आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ, दोनों आइज़ के आईलिड पर. और अब जो ब्लेंडिंग ब्रश था सेम ब्रश में कुछ भी मैंने पिक नहीं किया है, इसी से ऐसे ही मैं ब्लेंड कर लूँगी. I am using this Faces Canada Magnet Eyes Kajal. इसे आज मैं एज एन आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ. मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इसे अप्लाई करके एक पेंसिल स्मजिंग ब्रश की हेल्प से स्मज कर लूँगी और दोनों आईज पर इसे अप्लाई कर लूँगी. अब अपने आईज की लोअर लैश लाइन पर भी मैं सेम काजल अप्लाई कर रही हूँ. और अब एक फ्लैट ब्रश में मैंने पिक किया है ब्लश वाला शेड जिससे मैं इस काजल को स्मज कर रही हूँ. अगर आप लोगों के पास स्मजिंग ब्रश नहीं है तो आप ईयरबड की हेल्प से भी स्मज कर सकते हैं अपने काजल को. इस फेस पैलेट में से मैंने पिक किया है हाइलाइटर वाला शेड जिससे मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी एंड अपने आईज़ के ब्रॉबोन एरिया को भी हाईलाइट करूँगी. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा और इसे अपने आईज़ के अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज पे मैं अप्लाई कर लूँगी. अगर आप लोग डेली बेसिस पे मस्कारा लगाना पसंद करते हैं और आपको कोई लाइट वेट मस्कारा चाहिए देन यू कैन ट्राई दिस वन. नाउ आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक. दिस वन इज शेड नंबर 12. नाउ आई एम गोइंग टू सेट माई मेकअप विद दिस अल्टिम प्रो मेकअप फिक्सर. दिस वन रियली कीप्स योर मेकअप इंटैक्ट एंड हाइड्रेट योर फेस एट द सेम टाइम. नाउ यू कैन सी माई फाइनल लुक. और ये लिपस्टिक
शेड नंबर 12 है और पिंक शेड है, एंड डार्क लिपस्टिक के साथ भी आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। दिस वन इज शेड नंबर 13। सो गाइज, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट वॉज देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।